बंद करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ममता जी का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ममता जी का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ममता जी का राज बदल दो। बंगाल में एक डॉक्टर के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में भाजपा प्रदेश कार्यालय से महिला मोर्चा एक कैंडल मार्च यहां पर निकाल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा की ये तमाम महिलाएं हैं, उस हिंसा के विरोध में आज ये कैंडल मार्च निकाल रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक श्रृंखला के अंदर ये तमाम महिलाएँ हाथों में मोमबत्ती लिए बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में यहाँ से मार्च निकाल रही हैं। इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज आप ये कैंडल मार्च जो निकाल रहे हैं बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में, क्या कहना चाहिए? जो भी हो रहा है बहुत बुरा हुआ है, इसलिए हम आक्रोश में हैं। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ। आपने सुना जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है कि इंसाफ ये चाहते हैं, कुछ और भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हुई है, हालांकि जो मुख्य जो अपराधी है वो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन पूरे देश से ये आवाज़ उठ रही है। सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और पूरे देश से आपको बता दें ये आवाज़ उठ रही है कि और भी जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और सख्त से सख्त सज़ा सबको मिले, एक नज़ीर बन जाए ताकि दोबारा कोई ये कर ना पाए, और ऐसा करने से पहले 10 बार ये सोचे कोई भी अपराधी कि ऐसा अगर वो करता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। आपको बता दें ये जो महिलाएं हैं इनसे हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज आप ये जो मार्च जो आप निकाल रहे हैं बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ, मैं क्या मांग इनका? देखिए ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि कोलकाता में जिस तरीके से हमारी एक बहन के साथ में दरिंदगी हुई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और शर्म आती है कि कोलकाता की मुख्यमंत्री एक महिला है और महिला के साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी होती है, और उसके सबूत मिटाने उनके ही लोग जाते हैं और पुलिस प्रशासन भी वहां से भाग जाती है। तो साफ साफ जाहिर होता है कि इसमें वहाँ की जो सरकार है उसी का हाथ है। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि इस एक जो बहन है जो दुनिया की जान बचाने के लिए सेवा करने के लिए जाती है और उसी के साथ में ऐसी हो जाती है। तो हम सब जने हमारी सब महिलाओं का सर शर्मिंदगी से महसूस हो रहा है और हमारे अंदर आक्रोश है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रशासन को ख़त्म कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री वहाँ के जो ममता जी हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए और निर्भया को न्याय मिलना चाहिए, जिससे हमारी सारे लोगों में एक खौफ पैदा हो जाए कि इस तरीके से दरिंदगी करी है कि उसकी आँखों में भी कांच घुस गए और कोई भी शरीर ऐसा नहीं बचा कि जहाँ से लहूलुहान नहीं हुआ था और उसकी जान जानी पड़ी। उन माँ बाप को पूछिए, उसका सपना था कि ना उसको गोल्ड मेडल मिले और उसकी जान हाथों से निकल गई। ऐसी आपने सुना कि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए जिस महिला के साथ इतना दुखद ये हादसा हुआ है। और तमाम एक हालांकि एक अपराधी पकड़ में आ चुका है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि और जो भी अपराधी जो सीबीआई जांच में आते हैं उनको कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसा कानून की मांग पूरे भारत से उठ रही है कि एक ऐसा कानून बने कि एक नज़ीर पेश हो और इस प्रकार का कृत्य को अंजाम देने से पहले 10 बार कोई सोचे। बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक पूरे भारत से आवाज़ उठ रही है, ना सिर्फ महिलाओं की बल्कि देश के हर एक नागरिक की, कि एक ऐसा कानून बने, एक ऐसी नज़ीर पेश हो कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करने से कम 10 बार सोचे। बिल्कुल आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आज महिलाओं को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया जा रहा है, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ महिलाएं आगे नहीं है, और इस तरह के कृत्य सामने आते हैं, क्या समझ रखा है महिलाओं को? बंगाल में लगातार हमें देखने को मिलता है कि लगातार महिलाओं के साथ रेप और दरिंदगी की जाती है। दरिंदगी भी ऐसी कि एक महिला जो डॉक्टर है, जो जान बचाती है लोगों की, एक तरीके से हम डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं, और उन दरिंदों ने इतनी बुरी तरह उस महिला का बलात्कार करने के बाद उसकी आंखों में कांच तक घुसा दिए। ये तो बिल्कुल भी मैं ये मानूंगी कि ऐसे दरिंदगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं, सजाए मौत देनी चाहिए और एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि ऐसे दरिंदगे डरे
कापे और ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। आपने सुना इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका कहना है कि ऐसे दरिंदे, ऐसा कानून बने उन दरिंदों के खिलाफ कि वो 100 बार वो सोचे इस प्रकार का कृत्य करने से पहले। क्या आप जो मांगे जो पूरे देश से उठ रही है, कड़ी से कड़ी सजा मिले, एक ऐसा कानून बने कि जो भी लोग इस प्रकार का कृत्य करें वो कम से कम 1000 बार सोचे इस करने से पहले। लेकिन एक और जो मांग उठ रही है पूरे देश से कि बंगाल में अब समय आ चुका है कि राष्ट्रपति शासन लगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, क्योंकि मुख्यमंत्री एक महिला होने के नाते वहाँ पे महिलाओं के साथ आए दिन जो बलात्कार और दरिंदगी होती है उसके नाते मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। साफ तौर पर आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन की भी ये महिलाएँ जो हैं ये मांग कर रही हैं। और क्या कुछ आपकी मांगें हैं जो आज यहाँ से आप करना चाहते हैं? हमारी बहन जिसके साथ गैंगरेप हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, और ना कभी ऐसी किसी महिला के साथ ऐसा दुस्साहस पुरुष ना कर सके, इसलिए हम आज यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से लगातार आवाज़ पूरे देश से उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के खिलाफ जो एक गंभीर कृत्य हुआ है, पहले उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर उसको बहुत ही बेरहमी से उसे मार दिया गया, और जो उसकी जो डेड बॉडी जो पाई गई वो बहुत ही विकृत हालत में थी, उसकी आंखों में उसके चश्मे के कांच घुसे हुए थे, लहूलुहान हालत में उसकी डेड बॉडी पाई गई, और जाहिर सी बात है पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में एक प्रकार का उबाल है, और ये मांग पूरे देश से अब उठ रही है कि एक ऐसा कानून बने, एक ऐसी नज़ीर पेश हो कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करने से पहले कम 10 बार सोचे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।